उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये गाना रिकॉर्ड करने का? सर पहली बात तो ये गाना बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा कंपोज किया है ऑगस्टस और क्या नाम, चंदन, चंदन जी। ऑगस्टस और चंदन जी ने। और ये गाना ना तकरीबन 1.5 महीने पहले से, वो मैं थोड़ा सा सब बिज़ी था, तो 1.5 महीने पहले हम लोग रिकॉर्ड करने वाले थे। तो बट आई थिंक एक हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है, तो आज इसका वक्त लिखा था, तो आज ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। एंड मैंने इसमें अपना बेस्ट जो भी मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन है इस गाने का। वीडियो भी देखा मैंने गाना रिकॉर्ड होने के बाद में, बट जो जो मैंने इमेजिन किया था वो सब वीडियो में है। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है जब आप कोई सॉन्ग को हाँ कहते हैं या फिर उससे जुड़ने का इरादा करते हैं आप? सर मैं सबसे पहले हूँ ना उस गाने की ना ट्यून और उस गाने के वर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर वो दिल को छूती है तो मुझे लगता है कि ना एक गाना कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करता है। अगर वो ही नहीं छुएगी तो ना मुझे लगता है कि ना कितना भी प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन अच्छा हो और ना वो दोनों चीज़ें ना छुएं तो बात नहीं बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें इस गाने में पावरफुल हैं। वो वर्ड्स भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं, ट्यून भी बहुत अच्छी बनी है, और मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक रूहानियत है इस गाने के अंदर। और शिवली के बाद क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहें आप? सर श्रीवल्ली के बाद में मेरे अंदर मेरे म्यूज़िकली भी काफ़ी चेंजेस आए मेरे अंदर। और आई थिंक है ना एक आर्टिस्ट को हमेशा अपग्रेड होते रहना चाहिए। अपग्रेड नहीं होंगे तो आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे या कहीं ना कहीं एक अटक जाएंगे आप। तो मैं म्यूज़िकली सब लोगों को सुनता हूँ, सबके गाने सुनता हूँ, सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कौन कैसे गा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरी ये थोड़ी चीज़ रहती है। और मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड श्रीवल्ली में एक अलग टेक्सचर में गाया और वो इतना लोगों को पसंद आया कि अब मैं वो जोन में ही मैं ज़्यादातर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। क्योंकि आप म्यूज़िक चेंज होता रहता है, स्टाइल चेंज होता रहता है, तो कहीं ओल्ड साउंड ना करने लगो, तो नया एक नयापन और फ्रेशनेस रहनी चाहिए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो लोग बोलते हैं, जब मैं अभी गा रहा हूँ तो मैं लोग बोलते हैं कि यू साउंडिंग सो फ्रेश। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने मैं गा रहा हूँ, सिंगल्स भी बहुत सारे गा रहा हूँ, फिल्म्स के गाने भी मैं गा रहा हूँ, बहुत सारे फिल्मों के गाने भी रिलीज़ हुए, मैं ही नाम भूल गया इतने सारे गाने। तो वो सारी चीज़ें हैं और मेरा एक कोशिश रहती है कि ना मैं अपने गाने में, चाहे वो फिल्म का गाना हो या सिंगल हो या कोई भी गाना हो, उसमें अपना बेस्ट में बेस्ट क्या दे सकता हूँ, वो मेरी कोशिश रहती है। और सभी लोगों से इंस्पायर होता रहता हूँ मैं, और नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें करने का मुझे शौक़ है। और तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आए, इतना बड़ा मैंने जवाब दिया आपको। और सर वैलेंटाइन्स वीक आने वाला है, कुछ कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे या फिर कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस सबको देख रही है? देखिए क्या होता है, मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे है, मैं जब मानता हूँ, लेकिन हर दिन मोहब्बत का है, हर दिन प्यार का है, तो कोई एक ही दिन क्यों? मतलब हर रोज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने चाहने वालों को, आप जिनसे भी मोहब्बत करते हैं उनको कह सकते हैं। तो एवरी डे मेरे लिए तो वैलेंटाइंस डे ही है। अगर 2 लाइन आपकी आवाज़ में हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। कौन सा गाना जो गाना मैंने गाया ना उसका दिमाग पे अभी सुरूर चढ़ा हुआ है ना, तो कोई ध्यान में आ ही नहीं रहा कोई दूसरा गाना, तो तो मैं उससे रिलेटेड गाना एक सेकेंड। हो
तू ही मेरी है सारी जमीन, चाहे कहीं से चलूं तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, कोई भी राह चुनूं तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। एक सवाल सर मेरा आपसे है, हाल फिलहाल में दमन फिल्म में आपने गाना गाया, उड़िया फिल्म में आई थिंक मैं भी पहली बार गाना गाया, तो जी जी। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा अकेला चले रहे जो सॉन्ग में आपने गाया, बहुत बढ़िया लोगों को पसंद आया। ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और पहली बार मैंने ना रॉक स्टाइल गाया, तो मैंने आपको कहा कि ना मैं नए नए स्टाइल अडॉप्ट करता रहता हूँ, रोमांटिक, सूफी, रॉक, थोड़ा हिप हॉप, तो रॉक स्टाइल मैंने पहली बार गाया है। तो मुझे ये गाना गा के, जब मैं ये गाना गा रहा था तो कंपोज़र जो है इस गाने के, वो एकदम ऐसे उछल गए कि ओ माय गॉड, हमारा गाना कितना और बेटर कर दिया, तो वो मुझे बहुत खुशी है। और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ना ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है उड़िया में, और यहाँ पर भी रिलीज़ हुई है और लोगों को पसंद आ रही है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। Rajveer is also a part of our team, and Arthur he's the producer's son. So producer is not available, so we have the son with us who's going to talk behalf of the producer, and we have Vicky ji here who's choreographed the song, and our DOP Gifty Mehra. We have been together like for many years now, and this song was very special to us, as nowadays you are all of us actually started फीलिंग एंड थिंकिंग के आइटम नंबर ही चलेगा या कोई रोमांटिक गाना ही चलेगा, बट दिस सॉन्ग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। इट्स अ वेरी क्लासिकल सॉन्ग, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड एंड इट विल गोन रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पर्सनली, एंड आफ्टर लाइक जावेद जी हैज सॉन्ग द सॉन्ग इज गोन वर्क फॉर अ बिग टाइम। गुड नेम नाउ इन द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में उनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है उनके गानों को, ही केम ऑन बोर्ड, उनके साथ कैसा ये पूरा टीम का पूरा, इट वॉज अ वेरी आई वुड से डिफिकल्ट टास्क, बट राजवीर एंड हिज टीम हेल्प अस लॉट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही वाज हियर, ही सेंड अ सॉन्ग टुडे एंड रिजल्ट इज गोना कम एंड एवरीबॉडी इज गोना लव द सॉन्ग। द म्यूजिक कंपोजर सो इनिशियली कॉम्पोजिशन वॉज अ लिटल बिट चैलेंजिंग, क्योंकि सॉन्ग में अलग अलग पार्ट्स हैं एंड मेकिंग श्योर कि द होल सॉन्ग साउंड्स कोहेसिव, सो दैट वॉज अ चैलेंज। तो मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं चंदन सरकार जी, तो हम लोगों ने साथ में इस पर काम किया। इट वॉज अ वेरी It was a great learning experience. Like I had to travel a lot all over India to record people, record Ravanata, record Tabla, record Shehnai and everything. So first time kar raha tha main, and it was a great experience. And Javed ji ne jo aaj usne char chand lagaye, matlab aisi aisi cheeze unhone apna 110% diya song mein, itne sare acche ideas ke sath, he was just coming up with ideas like that jo maine soche bhi nahi the, and his performance, his contribution just like it doubled the song's potential or tripled it, more than that, so it was great. Aur shoot wagaira kaise, kya plans hai aur kahan pe shoot? Shoot already ho chuka hai, Mumbai mein shoot hua hai, and many actors are involved, like it's based on a wedding, and we have a very great message about woman empowerment. I don't want to reveal the story now because it will be too harsh for our product. I don't want to spoil that.
but it's gonna be a great entertainer also. And when can the audience see this? Hopefully by the end of this month. And guys, anything else you guys want to share something about the project? How did you become a part of this session? Already Irfan sir ne bata hi diya ki kya kya cheeze thi, gaane mein kya hua, shoot pe kya hua, wo cheez same thi, yahi se bhi same hai. सेम थिंग तो है बट सी जो टीम होती है ना, जो ऑडियो जब हमें मिलता है तो वी ट्राई टू मेंटेन व्हाटएवर द पोटेंशियल ऑडियो हैज, और जिस तरह का ऑडियो बनाया था और म्यूजिक रेडी हुआ था, इट वाज अ वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रेजेंट अ वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑडियो, यू नो. It was very difficult because ये कोई नॉर्मल गाना नहीं था जहाँ लड़के आ रहे हैं और पीछे डांसर्स आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं, ये ऐसा वीडियो नहीं था. इट वॉज अ वेरी स्टोरी बेस्ड वीडियो एंड और काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हमने सेट पे की है जो वीडियो में देखने मिलेगी. और विकी जी तो बहुत सालों से है इंडस्ट्री में, तो यहाँ आप देख रहे हो कि हम सारे यंग हैं बट एक्सपीरियंस यहाँ से आया है. जो ज़्यादा जो मैसेजेस आप देखोगे उसमें जो एक क्लीन वर्जन होता है कि हाँ ये ऑडियंस आराम से समझ पाएगी, वो मैंने स्पेशली इनसे सीखा सेट पे जब ये कोरियोग्राफी कर रहे थे. ना बाकी है, मेरे पुराने दोस्त ही ये लोग, हमने काफ़ी साथ में काम किया है ना, ऐसा नहीं है. बहुत इन्जॉय किया शूट पे, ये बहुत कम्फर्टेबल, ये भी बहुत एकदम कूल. अगर कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी हंसते हंसते हम फटाफट चेंज करते, पता नहीं चला शूट कब खत्म हो गया. हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है पहले से, हमने काफ़ी काम किया है साथ में, पुराने दोस्त भी हैं हम लोग, तो कोई तकलीफ नहीं शूट पे. शूट बहुत अच्छे से किया हमने, बहुत इन्जॉय किया शूट में. फाइनली या यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आई वाजंट अराउंड मच, बट एज मच एज आई सीन इट वाज फन एंड आई वुड लाइक टू सी मोर. What was your first reaction, you know, when you saw some glimpses, the song, kuch aata hoga mind mein, and you might I was kind of surprised because it was really great and I didn't know people around me had so much potential. A producer hai nahi to beta thoda kam bol raha hai. Finally, you puri team ke sath kuch aur plans bhi hai in future that you are doing something? There's gonna be a song which is releasing on 12th Feb. वो दूसरे production house से हो रहा है, which me and Rajveer has been part of that song. And it has become a family now. And inshallah, अभी अगर कोई plan नहीं बना है तो आगे future में ज़रूर बनेगा. Definitely. Because I really love the taste of his, you know, music and the things what he is bringing in. हम लोग एक्चुअली भूल चुके हैं कि एक्चुअली म्यूज़िक क्या हुआ करता था, और ये गाना सुनने के बाद मुझे खुद को पर्सनली रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक का एक टेक्सचर होता है जो अब निकल चुका है. आजकल लोग सारे फनी से साउंड यूज़ करके और वो सारी चीज़ें, बट आई एम वेरी श्योर कि जिस दिन ये गाना आएगा पीपल वांट टू लव दिस. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया.